हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईसीआईसी के इंस्टा सेव एफडी अकाउंट के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहना और प्लीज इंपॉर्टेंट जो जो कंडीशन है आपको पता चलनी चाहिए कि किस बिहाफ पे आप ये अकाउंट खोल सकते हो, क्या क्या ये कंडीशन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आईसीआईसी का इंस्टा सेव अकाउंट है उसमें पहले तो बात है कि ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट है, इंस्टेंट ओपनिंग, ठीक है। इंस्टेंटली आप आधार कार्ड से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पे कोई भी बैलेंस रखने के लिए नहीं कहा जाएगा कि आपको 10,000 रखना है, 20,000 रखना है, 50,000 रखना है। पर सुनो सुनो, बैलेंस रखने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा, पर आपको ये कहा जाएगा कि 10,000 रुपये की आपको एफडी करवानी है 1 साल के लिए। अगर आप 1 साल के लिए 10,000 की एफडी करवा देते तो आपको 10,000 रुपये बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको प्लेटिनम वीजा का डेबिट कार्ड मिलेगा और प्लेटिनम चिप का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपये। मतलब सिंपल लगा लो कि आपको 10,000 रुपये में क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है और डेबिट कार्ड भी मिल रहा है, ठीक है। वैसे आपको पता है कि एफडी के लिए बहुत सारे बैंक कहते हैं कि 20,000 की एफडी कराओ, पर यहाँ पे आपको 10,000 रुपये में क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, वो भी प्लेटिनम चिप वाला, ठीक है। अब फीचर क्या है इसके, फीचर ध्यान से सुन लो। सबसे पहला फीचर है कि एक तो आपका 1 सेकंड में, 1 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। बस आपको करना क्या है, 10,000 रुपये की एफडी करवानी है और आधार के ब्याह पे आपको अपना अकाउंट ओपन करवा लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो आपकी 10,000 रुपये की एफडी होगी वो आपको एटलीस्ट साल के लिए करवानी है। ये नहीं कि आप 6 महीने में करो, 6 महीने के लिए करो, 8 महीने के लिए करो, एटलीस्ट 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको पूरा जो रेगुलर सेविंग अकाउंट में बेनिफिट मिलते हैं वही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आपको एश्योर्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड, पक्का एश्योर्ड मतलब पक्का आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा प्लेटिनम का चिप वाला क्रेडिट कार्ड, जिसकी लिमिट आपको अप टू 90% तक दे सकते हैं। मतलब 10,000 के बजाय वो आपको 9,000 की लिमिट दे सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग वो 7 से 8 हज़ार ही देंगे, 9,000 आपको वो नहीं देंगे। अप टू लिखा है पर आपको मिलेगी 7 से 8 हज़ार की लिमिट, ठीक है। अब जो ऑफर आपको मिलेंगे वो डाइनिंग और शॉपिंग पे, जो भी आपके रेस्टोरेंट होंगे वहाँ पे आपको अच्छे खासे ऑफर मिलेंगे। ये नहीं है कि आपके गली में कोई रेस्टोरेंट है छोटा मोटा, वहाँ पे नहीं, जो बड़े बड़े शहरों में ब्रांडेड रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे खासे ऑफर मिलेंगे इस डेबिट कार्ड से, ठीक है। अब जो आपको ये प्लेटिनम का डेबिट कार्ड मिलेगा इस पे आपको क्या है, स्पेंडिंग करोगे तो आपको इस पे रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे जिसको आप रिडम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बता दिया, 3-4 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। 24/7 का एक्सेस मिलेगा, जैसे एक होता है ना एक्सेस का जीरो बैलेंस वाला जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलती, पर यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आपको यहाँ पे विद सपोर्ट प्रॉपर मिलेगी। वो जीरो बैलेंस में उनको पता है कि बंदे ने पैसे वैसे रखने नहीं है तो वो सपोर्ट भी नहीं देते। कोई भी आप काम करने बैंक में जाओगे ना तो वो कहेंगे जाओ, हम यहाँ से काम नहीं होगा, ऑनलाइन बात करो, ऑनलाइन आपका वैसे ही काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या, आप 10,000 रुपये रख रहे हो तो आपकी थोड़ी इज्जत होगी बैंक वालों की निगाह में, इसलिए क्या आपकी वो रिस्पेक्ट करेंगे और आपको 24/7 का एक्सेस भी देंगे, ठीक है। अब ऑफर आपके जो नियर बाय रेस्टोरेंट होगा वहाँ पे मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम हो गया वहाँ मिल जाएंगे, ग्रोसरीज पे ऑफर मिल जाएंगे, अपैरल ट्रैवल पे, मतलब ऑफर मतलब आपको डिस्काउंट प्लस रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपको हर महीने में 5 ATM की विड्रॉल मिलेंगी किसी भी ATM पे, ठीक है। 5 आपको मिलेंगी किसी भी ATM पे विड्रॉल, ठीक है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा 50,000 रुपये का, या फिर आपको साथ में और मिलेगा आपको परचेज प्रोटेक्शन। मान लो आपने कोई 50,000 रुपये तक की कोई चीज खरीदी और मान लो कि वो 90 दिन के अंदर खराब हो गया, उसको आग लग गई या कुछ भी हो गया, अगर वो आपने उस डेबिट कार्ड से खरीदी है, ठीक है, तो उसी केस में आपको डेबिट कार्ड के केस में आपको मिलेगा, ठीक है, या गुम हो गया या अपना आग लग गई, ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो आपको क्या उस पर इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। और फ्री मंथली ईमेल स्टेटमेंट, आपको ईमेल की मंथली स्टेटमेंट मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, मंथली आपको ईमेल स्टेटमेंट मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब जो अकाउंट खुलवा सकते हैं वो यहाँ पे वो खुलवा सकते हैं 18 से लेके 60 साल वाले बंदे, ठीक है, जिनकी उम्र 60 साल की है उससे ऊपर वो नहीं खुलवा सकता कोई भी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जब कोई नॉन मेंटेनेंस का चार्ज पड़ेगा, जैसे कि जो 10,000 रुपये मेंटेन करते हो तो नीचे होता है आपको चार्ज भी पड़ता है, तो यहाँ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने आराम से इसकी एफडी करवा ली, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको 4 ट्रांजेक्शन फ्री, 4 आपको फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी पर मंथ, ठीक है। और उसके बाद मतलब उसके बाद आपको क्या है 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन पड़ेगा, मतलब कैश ट्रांजेक्शन, मतलब ब्रांच में जाके आप 4 बार कैश जमा करवा सकते हो, 5वीं बार जाओगे तो आपको 150 रुपीज़ का फ्लैट वो चार्ज लगा देंगे। उसके बाद क्या है कि अगर आप 1 महीने में 2 लाख से ऊपर का कैश जमा करवाते हो तो आपको मिनिमम 150 रुपये तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, प्लस 1,000 रुपये के बजे 5 रुपये आपको और पड़ेंगे। मतलब जितने 1,000, जैसे मान लो अपने 150 तो आपको पड़ ही गए, आपने 10,000 जमा कराया तो 1,000 के बजे 5 रुपये यानी 50 रुपये आपको और, यानी 200 रुपये का आपको एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक दिन में 25,000 रुपये तक का कैश डिपॉजिट करवाते हो तो कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद कराओगे तो आपको वैसे ही जो चार्ज है वो वैसे ही पड़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि अगर आप एटीएम से, आपको पता है कि मेट्रो सिटीज में आपको 3 ATM ट्रांजेक्शन फ्री है और नॉन मेट्रो सिटीज में यानी अर्बन सिटीज में आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, ठीक है। उसके बाद 6वीं करते हो तो आपको क्या है कि यहाँ पे ₹8 पर ट्रांजेक्शन का चार्ज पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल करते हो लाइक बैलेंस चेक करते हो सिर्फ, जिसमें आप स्लिप निकलती है नॉन फाइनेंशियल में, तो उसमें क्या है कि आपको ₹8.5 अलग पड़ेंगे, यानी ₹20 कैश निकालने में और ₹8.5 एक्स्ट्रा। अब जो डेबिट कार्ड की लिमिट है वो भी आपको अच्छे वाला डेबिट कार्ड दे रहे हैं और उसका चार्ज भी सिर्फ ₹150 का है। जैसे आपको पता है कि प्राइवेट बैंक में ₹150 चार्ज देना तो यार बहुत अच्छी बात होती है, नहीं तो उनके डेबिट कार्ड बहुत महंगे वाले होते हैं, तो डेबिट कार्ड भी अच्छा मिल रहा है आपको। उसके बाद क्या जो विड्रॉल की लिमिट है वो अगर आप ₹1 लाख स्पेंड करते हो, ₹1 लाख की आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो डेली की, विड्रॉल आप निकाल सकते हो डेली का ₹50 का, ठीक है। और जो मंथली चेक पेमेंट आपको है, सॉरी चार्जेस फॉर मल्टी सिटी चेक पेमेंट, वो आपको बिल्कुल नील है। और जो आपको वैल्यू एडेड SMS अलर्ट है वो आपको ₹15 पर क्वार्टर, ₹15 हर 3 महीने में, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है आपके लिए, 10,000 में क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। और आपको क्या चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भेज रहा हूँ, वहाँ पे जाके अगर आपको लगता है तो आप इसको ओपन करवा लो, अपना सिविल स्कोर इंप्रूव करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।